particular film has been directed by director Ojaswi Sharma, and we have the 2007 World Mr. World Muscle Mania winner Mr. Ramakant ji here with us. एक टाइम था जब कॉलेज के डेज में हम सारे बहुत बॉडी बिल्डिंग थे कि बहुत पैशनेट थे. मैं जिम जाता था, ट्रेडमिल पे रन करता था और मेरे जिम की स्क्रीन के पीछे वीडियो चलती थी फिटनेस को लेके, जिसके अंदर खूब सारे फॉरनर भाग रहे हैं, सिक्स पैक बना रहे हैं, बाइसेप्स बना रहे हैं. हर चीज है, मैंने कहा हम लोग मोटिवेशन तो ले रहे हैं लेकिन इनसे ले रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी बनने की वाली है कभी की नहीं. Why don't we have people from our country, from our people, जिनसे हम खुद मोटिवेशन ले सकते हैं? क्या हमारी कंट्री में ऐसी वीडियोस नहीं है? इंडियन जिम्स हैं लेकिन उनमें ऐसी कोई खास जिसको कहते हैं मेमोरेबल कोई इंडियन मोटिवेशन फिल्म नहीं ऐसी आई जो इंडियंस को इंस्पायर कर सके. सर को फ़ोन किया कि सर मैं ओजस्वी फिल्म बनाना चाहता हूँ. उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो, कैसे हो. उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली जिसके बाद आज ये दिन आया कि आ जाओ, और वो आधा दिन के बाद नहीं रुका मैं ना इधर. जिस दिन ओजस्वी जी ने मैंने फ़ोन किया था कि बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग मोटिवेशन मूवी बनानी है, तो मुझे बहुत चंगा लगा कि मैं भी अपने कुछ एक्सपीरियंस इस फिल्म शेयर कर. मैं बॉडी बिल्डिंग अराउंड 15-20 बारी मिस्टर इंडिया कंप्लीट कराया, और जिद जो पहले 7-8 बारी ऐसी थी कि मैं बीच भी नहीं आता, लेकिन हर साल फिर वही डेडिकेशन और तैयारी करनी, सेम रिजल्ट रहना. तो परमात्मा ने कोई जुनून पाया कि बॉडी बिल्डिंग ही कर देनी. अरे ये जर्मन बॉडी बिल्डर्स हैं, ये अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स हैं, ये नाइजीरियन बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन इंडियन वीडियोस नहीं है इनमें. यूट्यूब पे क्या वो इंडियन वीडियोस कोई सोचा कि यार कहीं नहीं आई कांट वॉच दिस, और मैंने सोचा अगर ये मेरी फीलिंग है कि आई कांट वॉच दिस तो ऐसे हो सकता है बहुत फीलिंग. 2000 में फर्स्ट टाइम मिस्टर इंडिया 3rd प्लेस आई, उस तो बाद परमात्मा की कृपा हुई नेशनल चैंपियन बने, कई बार एशिया प्लेस आई, फिर 2007 में वर्ल्ड चैंपियन जीता. इंडिया में ये चीज़ है कि अगर कोई लड़का जिम जाता है बॉडी बनाने, तो उसको इंस्पायर करने के लिए इंडिया में कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, फिटनेस फिल्म स्टार है. ऋतिक रोशन सर के ऐप्स आए तो चलो जिम चलो, आमिर खान सर के ऐप्स आए चलो जिम चलो, किसी फिल्म एक्टर के ऐप्स आए चलो जिम चलो, लेकिन बॉडी बिल्डर नहीं है. तो इसलिए हमने आइडिया कंसीव किया बॉडी बिल्डिंग इंडिया में, कि बॉडी बिल्डर्स ही क्यों ना आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग में इंस्पायर करें. मतलब अब पैरन दैट भाई एवरी यंगस्टर, मैं कह रहा हूँ 18-25 साल की उम्र में कोई लड़का होगा वो एक बार जिम की दलील तक जरूर गया होगा. मैं तो बॉडी बिल्डिंग ही जी है शुरू तो, हूँ भी हालांकि मैं कंपीट नहीं करता, रोज़ कंट्रोल करता है डाइट सोचना है, हालांकि नहीं कर रही मेरे को, पर हूँ भी मैं डेली सवेरे उठ के सोचना कि पूरी डाइट कंट्रोल करनी है, रनिंग करनी है, स्केटिंग करनी है. इसलिए मैं कई चैनल से पहले बॉडी बिल्डिंग या किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज बारे दसदा है, तो मैंने लग्या कि उस तरह भी होगी, तो मेरी मोटिवेशन मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा बनाया मैंने. I haven't seen a short film to be made like this before. Commendable job by the director, Ojaswi Sharma, and the whole team.